आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई की दुकान के जैसा ब्रेड पकोड़ा, जो कम से कम तेल सोखेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हम सारे मसालों को एक कटोरी में डालेंगे। सबसे पहले हमने 1 चम्मच गोल धनिया लिया है, जिसको इस तरीके से हमने कूट के आधा कर लिया। आधा चम्मच हमने सौंफ ली है और आधा चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है और 1/4 चम्मच काला नमक लिया है। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये कसूरी मेथी ली है, जो आधा चम्मच ले ली हमने, और इस तरीके से क्रश करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च भी ले लेंगे, 1/4 चम्मच। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद में आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटक गया है हमारा। अब इसके अंदर कुटी हुई अदरक और थोड़ा सा लहसुन लिया है हमने, वो डाल देंगे। लहसुन आप अगर स्किप करना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है लेना। अब इसके अंदर हमने 1 मिर्च को बारीक काट लिया और थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको इस तरीके से तोड़ के डाल लेंगे। दो बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं, इनको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। हम इनको पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से नहीं पकाएंगे, बस हल्का हल्का इस तरीके से पका लेंगे और सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जो मसाले हमने कटोरी में मिलाए थे ना, वो सारे मसाले इसके अंदर हमने डाल लिए। अब 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको उबाल लिया और इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल लेंगे। अब सारे आलू को अच्छे से मैश करना है मसाले के अंदर, तो आप इस तरीके से कोई कटोरी से या इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी मैशर है तो आप इससे मिक्स कर लीजिए, वरना आप आलू को अलग से ही पूरा अच्छे से मैश करके मिक्स कर लीजिए। आधा चम्मच ने नमक ले लिया है। अब सारे मसाले आलू में पूरे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है ब्रेड पकोड़े की। अब हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे। ब्रेड के स्लाइस लेते वक्त हमें ध्यान रखना है, ब्रेड अगर एक दिन पुरानी हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। ये धनिया की चटनी और एक ब्रेड पे हम मीठे इमली की चटनी लगाएंगे। जब हम मार्केट में ब्रेड पकोड़े खाते हैं तो उनके अंदर हल्का तीखा और मीठा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल टेस्ट वैसा आएगा। अब हम इनको डिप करने के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। 2 कप भर के हमने बेसन लिया है। ये 400 ग्राम बेसन था, इसके अंदर हमने आधा चम्मच नमक मिला लिया है और आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच अजवाइन ली है, जिसको इस तरीके से हथेली पे क्रश करके डाल लेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी ली है, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन हमने इसलिए ले ली ताकि ब्रेड पकोड़े का कलर ऊपर से सुंदर आए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके का पेस्ट तैयार करना है। न तो ये पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए बहुत ज़्यादा और न ही एकदम ढीला होना चाहिए। अब इस तरीके से आलू के मसाले की टिक्की बना के बीच में रख देंगे और पूरे मसाले को अच्छे से
ब्रेड की स्लाइस पे फैला लेंगे। ये देखिए, हमें कॉर्नर पे अच्छे से मसाले को फैला लेना है। ये हमारे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था, इसलिए हमने ये पनीर ले लिया है। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास भी पनीर घर में रखा है तो आप भी यूज़ कर लीजिए। इससे ब्रेड पकौड़े का टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तीनों ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग डाल के इस तरीके से हमने तैयार कर लिया और बीच में से इस तरीके से काट लिया। ये देखिए, अब ये सारा जो हमने पेस्ट तैयार किया था इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फ्लफी सा हो जाइए। अब ये सारे ब्रेड पकौड़े को इस तरीके से डिप करेंगे। इसको हमें तेल गरम आ गया है हमारा कढ़ाई पे चढ़ाया हुआ, और तेल में डाल लेंगे। तेल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए। ये सारे ब्रेड पकोड़े हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाला जो ब्रेड पकोड़ा है वो हमने पूरे दोनों स्लाइस को बेसन में इस तरीके से डिप कर लिया था और पूरा ब्रेड ही इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया। अब इसको बीच में से काट के भी दिखा देंगे जिस तरीके से ये मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ब्रेड पकोड़ा तैयार हुआ है। अब इसको हम बीच में से इस तरीके से काट के और चाट मसाला डाल के सर्व करेंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करना ब्रेड पकोड़ा इस तरीके से बनाना। ब्रेड पकोड़ा अगर आप बनाएं तो दो या तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्रेड एक या दो दिन पुरानी हो तो अच्छा रहता है। कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बेसन भी बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ब्रेड पकोड़े बनाएंगे तो तेल भी कम सोखेगा और टेस्टी भी बिल्कुल हलवाई की दुकान के जैसा बनेगा। अगर आपको ब्रेड पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।